भाई साहब फाइनली दिन आ गया है। आज हम लुधियाना वापस निकलने वाले हैं गाड़ी को लेके, और जहाँ पे समोसा सूप मिलता है, और अगर अच्छा हुआ तो अभी आपको जगह भी बताएंगे। भाई साहब ऑलिव्स हैं, ग्रीन पीज हैं, बहुत कुछ ज्यादा हुआ है यार। ब्रेड भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा ब्रेड एक्स्ट्रा मंगवा लो यार। भाई साहब समोसे के साथ हम देखते हैं कि महिंद्रा और टाटा में पेंट का इशू आता है, ये लैंड रोवर में भी पेंट का इशू है। यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा हो, इसका एक डिफरेंस ये है कि अंदर का इंटीरियर जो है वो टैन है, उसमें वो वाइट था, उसमें वाइट था। जी जी जी। तो इसमें क्योंकि ये HSC है तो इसमें मुझे ना ये जी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, रगेड और प्रैक्टिकल का बहुत ही अच्छा रूप लगता है। जी जी जी। आप ये स्टेप्स वगैरह देख लो, या फिर अंदर भी ऐसा लगता है कि मैं एक बार की पानी मार दूं गाड़ी में। घर में कुछ बर्तन होते हैं जो आप गेस्ट के लिए रखते हैं, ये वो गाड़ी नहीं है, ये घर के बर्तन है, ये घर के बर्तन है, और वो वाले बर्तन जो अंदर भी दिख रहे हैं। एग्जैक्ट गगन भैया, आपसे अप्रूव हो गई, अब तो गाड़ी चमक गई है। भाई साहब गाड़ी अपनी रेडी है, और जिन्होंने गाड़ी तैयार करी है उनके लिए अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। तो भाई साहब ये है आपके अपने हरिया की एकदम ब्रांड न्यू डिफेंडर नए अवतार में। ये देखो कुछ ऐसी सी लुक आएगी मैट की, एक सैंपल जो है हैरी भाई ने हमें लगा के दिखाया है। ये ग्लॉस है, और ग्लॉस के ऊपर आपको सारी जो लाइट्स है वो दिख रही होंगी, बट मैट के ऊपर ये सब कुछ जैसे एक लाइट की तरह शेव ऑफ हो जाता है, या ऐसा लगता है कि यहाँ पे शीन जो है वो खत्म हो गई है और एक बड़ी प्यारी सी एक फिनिश आ गई है। कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है, फिर मैट कराएं या ग्लॉसी कराएं। जो मैट है ना, मैट के साथ इसकी फर्स्ट एडिशन वाली लुक आ जाएगी, और ग्लॉसी के साथ इसकी रेगुलर पांजिया ग्रीन लुक है। तो भाई साहब कमेंट्स भर दो, क्योंकि आज मुझे आपका ओपिनियन चाहिए फटाफट से। ये जो अभी काम होने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा डर लग रहा था मुझे। हैरी भैया ने भी बोला है और वेद भैया ने भी बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हटवा दो, एक तरह से एक स्टेंसिल बन जाएगी पूरी, और उसके हिसाब से वापस से लोगो लग जाएगा। ये इधर एग्जांपल्स लगे हुए हैं जी, ये सारे लोगो जो है इधर लोगों ने, इन्होंने स्टेंसिल्स बना बना के रखे हुए हैं। अपना डिफेंडर वाला लोगो जो है वो हटेगा, भैया थोड़ा प्यार से हटाना। पूरी स्टेंसिल बन गई है यहाँ पे, डिफेंडर जो है लोगों के हिसाब से उन्होंने ये पूरी की पूरी स्टेंसिल बना दी है, ताकि जब वापस लगाना हो तो कोई दिक्कत ना आए। और ये अब एक एक करके DEF जो भी ये लेटर्स हैं सारे निकलने शुरू हो जाएंगे, और भाई इस चीज में जब निकलेगी ना तब जान बहुत निकलेगी। भाई वेद भैया आ चुके हैं, वेद भैया थैंक यू सो मच आने के लिए। पहले तो गाड़ी का डी उतर गया, और एक एक करके अब सारे जो लोगोस हैं वो उतर जाएंगे। यहाँ पे हम ये प्री कट नहीं करेंगे ना, ये तो हम पूरा टक करेंगे, लाइट में से दिखेगा। अगर ये वाला पार्ट ग्लॉसी रह जाएगा अंदर, और लाइट अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ से दिखेगा कि मैट या ग्लॉसी अलग अलग है। जब ये उतर रहा है तो भाई साहब अब जान निकलती है, वो कम निकल रहा है, हमारी जान ज्यादा निकल रही है। जलेबी खिलाऊंगा प्यार से निकालना। डिफेंडर में भी पेंट डस्ट है। अच्छा है ना? अरे भाई टाटा में आती है वो ही। अभी ये टाटा एक ही है ना। पवन भैया ने पूरी गाड़ी जो है कंप्यूटर पे उतार ली है, और यहाँ पे अब सारी की सारी चीजें जो है ना प्री कट लगेंगी, और प्री कट भी एक दूसरे तरीके से। भैया क्या कह रहे थे आप, एक अलग तरीके से प्री कट कर रहे हो आप, मतलब प्री कट का जो एक इंचेस बढ़े हुए हैं वो आप बताइए। तो दो तरीके से प्री कट होती है, बॉडी लाइन होती है और एक कट लाइन होती है। ठीक है जी। अभी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसमें भी फैसिलिटी है जी, दैट वी कैन एक्सटेंड इट। तो हमारे दो वर्जन है जी, जो आपका बोनट का पीस है फॉर एग्जांपल, जी जी जी, वहां जहां पे उसकी एजेस आ रही है उसे एक्सटेंडेड पहले ही कट कर। अगर हम मैट के ऊपर मैट लगा रहे हैं तो अगर हमें साइड से कुछ दिख भी रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम चीज है। करेक्ट। बट व्हेन यू अप्लाइंग इट ऑन ग्लॉस जी, अगर हम मैट करेंगे तो यहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ से आपको हल्का ग्लॉस वो लाइन। एग्जैक्टली। तो लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन जो है वो दिखेगी ग्लॉस में, इसलिए आप उसको पूरे को ऐसे नीचे फोल्ड कर देंगे तो कुछ एजेस दिखेंगे, पूरा कवरेज भी हो जाएगी, और पूरा ऐसे लगेगा मैट पेंट है बेसिकली, मैट ग्लॉस पेंट। आपको पता होगा कि इट्स PPF जी, देन ओनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। करेक्ट। कोई जो नॉर्मल लेमन घूम रहा होगा ना उसको लगेगा ये मैट पेंट है। देखो भैया ने सारी गाड़ी जो है कंप्यूटर पे उतार दी है, और भैया इसी साइज में तो नहीं काटोगे ना? ये ब्लेड है ना ब्लू जो आप दिख रहे हैं जी, ये ब्लेड है इधर, और इसके ऊपर ये ब्लेड इतना सा है, लिटरली मेरे नेल्स इतना है, और मेरे नेल्स भी आज बड़े हुए वैसे, बट इतने साइज का ब्लेड है। ये देखो पहला कट जो है इस एंगल से दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये कट्स लगने शुरू हो गए हैं। अच्छा अब यहाँ से तो एकदम चमक रही है, और साइज देखो यार, वो हैरियर है और इधर अपनी डिफेंडर है, साइज कंपैरिजन एक बार देखो यहाँ से, और चमक मार रही है एकदम।
भाई एक बात है, जो साइज है ना गाड़ी का, इसको मनूवर करना और इसको जगह जगह पे पार्क करना काफी मुश्किल है यार। मतलब अब देख के समझ में आ रहा है, जो ऊपर से जो शॉट अभी मैंने डाला है वो भाई, मतलब इसको अंदर पार्क करना ही बड़ा मुश्किल है। हम देखते हैं कि महिंद्रा और टाटा में पेंट का इशू आता है, ये लैंड रोवर में भी पेंट का इशू है। यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा हो, ये यहाँ पे इस छोटे से पार्ट पे यहाँ से पेंट जो है चिप हुआ हुआ है, और हमें जो लग रहा है वो कब चिप हुआ होगा, जब ये पार्ट ऊपर से लगाया होगा ना, तो इधर से ये पेंट स्क्रैच हुआ हुआ है। पेंट डस्ट भी है, पेंट डस्ट भी है। हाँ, ये देखो, ये पेंट डस्ट है जी, ये देखो। ऐसा पूरी गाड़ी को एक बार आखिरी बार ग्लॉस में देख लो, इसके बाद इसकी जो ये ग्लॉस शाइन है ये खत्म हो जाएगी और एकदम मैट फिनिश में आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। तो मैंने सोचा एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, ये है जी इसकी ग्लॉस लुक। प्रिसाइज कट की बात कर रहा था, जो पेपर कट था वो देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है पार्ट ये टक हो जाएगा। अब कट ब्लेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्लेड से कट मारने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैट फिनिश जो है शायद आपको अब दिखनी शुरू हो गई होगी। इधर देखो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, और इधर आते लाइट गायब, क्या बात है यार। अब इसकी ना वो बुच लुक जो है वो आ जाएगी बाहर। एक तरफ PPF चल रहा है, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और 322 हो गए 2 विकेट के नुकसान पे, और भाई 47 ओवर्स हैं। दोनों ने, कोहली ने और KL राहुल ने, दोनों ने 100 मार दिए। फ्री हिट है, लास्ट बॉल पे नो बॉल हो गई थी और कोहली भाई साहब ने ये मार दिया 4-1, और 350 हो गए। वेरी नाइस भाई, गाड़ी की तरफ किसी का ध्यान नहीं, अब सारा ध्यान मैच पे है, क्योंकि कोहली साहब ने, अच्छा एक बॉल और है ना अभी। ओ भाई चक्का, क्या बात है, मैट भी हो गया, टायर्स वगैरह सब कुछ उतरा हुआ है, और इसकी लुक जो है वो कल कंप्लीट होगी। तो आपको दिखाते हैं कि कल क्या फाइनल लुक बन के आई है। वैसे आपको हल्का सा आइडिया हो रहा होगा, अभी भी PPF का काम जो है वो चल रहा है, और जैसे ही भाई साहब ये कंप्लीट होगा तो इसकी जो फाइनल लुक है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ PPF हुआ अभी तो, और इसकी जो एक्चुअल लुक है, जो मैंने सोचा हुआ, जो मैंने प्लान किया हुआ है, वो तो अभी आएगी भाई साहब निकल के कल को। अभी आप इस तरीके से देख लो गाड़ी को, सुंदर लग रही है वैसे बहुत ज्यादा, बट कल सुंदरता बढ़ जाएगी। ग्लैड टू फाइनली मीट यू मैडम। भाई साहब बहुत थक गया यार, आज पूरा दिन खड़े रहे वहाँ पे, पर एक बड़ा ना इंटरेस्ट वाला काम है, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इस चैनल पे आपको क्यों दिखा रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं इतनी जल्दी रिवील नहीं करना चाहता, बट मुझे लग रहा है कि एक दो दिनों में मैं रिवील कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि क्या रीज़न है। सोनम के चश्मे गिर गए एकदम से, तो आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ कि क्या रीज़न है। और जो रीज़न है ना भाई, मतलब उसको सुन के आपको मजा आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि डिफेंडर एक्चुअली हमने ली क्यों है। ये एक ऐसी गाड़ी नहीं है जो हम घर पे खड़ी करने वाले हैं या कुछ ऐसा, और सिर्फ एक आधी वीडियो बना के हमने इसका काम खत्म कर दिया। ये गाड़ी के साथ हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, मतलब जैसे ओनली वन इन इंडिया वाली वीडियो डाली थी हमने फर्स्ट इन इंडिया, वैसे ही कुछ फर्स्ट इन इंडिया हम करने वाले हैं चैनल पे। हम एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे समोसा सूप मिलता है, और अगर अच्छा हुआ तो अभी आपको जगह भी बताएंगे। सोनम ने ये जो जगह है ये बहुत देर से डिस्कस करके रखी हुई थी मेरे साथ, बट आज हमें फाइनली मौका मिल गया नोएडा में। सोनम कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, पर खाके पता चलेगा कि कैसा लगेगा। और सूप अगर आपको अच्छा ना लगा या मुझे अच्छा ना लगा तो उसकी पनिशमेंट क्या है? नहीं, एक्चुअली नहीं, दैट इज द बेस्ट थिंग यू हैव हियर, बेस्ट। मतलब समोसे का सूप भाई, सही है। एंड दिस इज, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, दिस इज अ बर्मीज रेस्टोरेंट, बर्मा से रेस्टोरेंट है ये, बर्मा, एंड दे सर्व ट्रेडिशनल बर्मीज वेजिटेरियन क्यूजीन। ये है जी वो सूप जो समोसा सूप है, इसमें नूडल्स हैं, समोसा हैव बीन डिप्ड इन अ सूप। सुपर्ब लग रहा है यार, आप प्लीज इसको हाफ एंड हाफ कर दीजिए ताकि हमारी लड़ाई ना हो। सर बराबर से करना, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा इसमें काले चने हैं, काले छोले हैं जी समोसे के अंदर। एंड व्हाट काइंड ऑफ सूप इज इट, इसमें सूप में क्या फ्लेवर है? ये है टैंगी एंड स्पाइसी ब्रॉथ, टैंगी एंड स्पाइसी ब्रॉथ समोसा, ब्लैक चिक्पीज एंड जूलियन कट मिक्स वेजिटेबल्स। सुपर्ब सुपर्ब, looks amazing yaar, best selling soup, acha all over the menu, if we like it sir, to we'll have another portion. thank you so thank much. you thank you thank you so much, looks superb. and aapka pehle to aap apna jo opinion hai wo do. they have raw papaya,
सीरियसली ट्राई करो एक बार। मेरी तो वो फूड ब्लॉगर वाली जो आदतें हैं ना, मैं आपको अच्छे से पहले चला के दिखाता हूँ। ये देखो जी, सुपर्ब लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है काले छोले हैं। Here's the spoon. Wow. भाई साहब, समोसे के साथ। It's so good. इसका एक पोर्शन और बनेगा ही बनेगा यार, बहुत स्वाद है। Wow. मतलब बर्थ द हाइप है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर काफ़ी चीज़ें होती है ना जो वहाँ पे जाके डिसअपॉइंटिंग होती है, बहुत स्वाद है। वंडरफुल भाई साहब, अगर आपके आसपास बर्मा है तो मेरी रिकमेंडेशन ट्राई जरूर करो, मजे आ जाएंगे। भाई साहब बिल के साथ ना इन्होंने ये टैमरिंड की कैंडीज दी हैं, मतलब टॉफीज हैं टैमरिंड वाली, ये भी बहुत सही लग रही है। भाई साहब जिस दूसरी जगह हम आए हैं ये जी, द बिग चिल कैफे। दिस इज द बिग चिल कैफे एंड व्हाट पास्ता इज दिस? और बहुत अच्छी स्पेगेटी लग रही है। इसके ऊपर लाल मिर्ची है भुजी हुई और साथ में ऑरिगैनो है और भाई साहब ऑलिव्स हैं, ग्रीन पीस हैं, बहुत कुछ ज्यादा हुआ है यार। अच्छा ब्रेड एक्स्ट्रा मंगवा लो यार, स्पेगेटी पहले आ गई। सर ये कौन सी वाली स्पेगेटी है? पक्की बात है, पैसे वसूल है, पैसे पूरे हो गए? बिचल द नेक्स्ट मॉर्निंग। भाई साहब फाइनली दिन आ गया है, आज हम लुधियाना वापस निकलने वाले हैं गाड़ी को लेके, और गाड़ी रेडी खड़ी है यार, सुंदर लग रही है यहाँ से देख के तो। ये देखो तो भाई साहब, ये है आपके अपने हरिया की एकदम ब्रांड न्यू डिफेंडर नए अवतार में। जो सोचा था वैसा तो हो गया लग रहा है, बाकी जो थोड़े बहुत बबल्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे जाएंगे, बट काफ़ी अच्छे से हो गई ये गाड़ी। रूफ़ के बबल्स देखो गए भैया, जो रूफ़ में बबल्स थे, लो जी रोशन हो गया सब कुछ। सोनम आपका फर्स्ट रिएक्शन, मैं तो लेने ही भूल गया। बहुत सुंदर लग रही है, पक्का पिक्चर्स में नहीं पता लगता इतना। हाँ रियलिटी में बहुत सुंदर, जो आपने मेरा विजन जो मैंने आपको जो बता रहा था इतने दिन से। एक्चुअली मैं सच्ची बताऊँ, मुझे लगता है इट्स नॉट बिकॉज ये मतलब हमारी कार है, मैं इसलिए बोल रही हूँ जी, बट आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कलर देखा है। मैंने नहीं देखा ऐसा कलर। इधर से भी एक बार लुक सारी चेक कर लेते हैं। वैसे तो तकरीबन सब हो चुका है, ये जैसे ये छोटे मोटे बबल्स जो है ना, ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये जाएंगे इन अ कपल ऑफ डेज जब धूप लगेगी, ऐसा मुझे बताया गया है। ये देखो ये जैसे थोड़े बहुत बबल्स हैं, ये सब धूप लगने से जाएंगे, अभी के लिए तो कुछ ऐसी सी लुक है। तो भाई साहब फाइनली अपनी गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है, और एक्साइटमेंट जो है आपको मेरी आंखों में दिख रही होगी, और हमारे साथ वेद भैया है। वेद भैया सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। वेद भैया क्या कर दिया आपने गाड़ी में, एकदम लुक बदल दिया है। देखो चॉइस तो आपकी थी जी, देखिए मैंने तो बस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी जी। सो यू ऑलरेडी वॉन्ट कि मेरी गाड़ी पे मैट फिनिश आए जी, जो कि शायद ऑफ रोडिंग जैसी जो फेमस है ऑफ रोडिंग के लिए जी, उसके लिए एक बेटर ऑप्शन भी है। करेक्ट। सो वी हैव कन्वर्टेड दिस कलर फ्रॉम ग्लॉस टू मैट जी, जिससे हम मुझे भी देख के बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी। जी, सुंदर लग रही है ना? हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ब्लैक हाईलाइट्स के साथ इट्स गोइंग वेल। उसके साथ हमने वी हैव डन इंटायर रूफ एंड रूफ रेल्स जी इन ब्लैक पीपीए, सब कुछ ब्लैक है जी। हाँ, पहले हम सोच रहे थे कि रैप के लिए जाएं, बट अगेन रैप में आपने देखा था येलो पीला आ रहा था। करेक्ट। फिनिशिंग इश्यूज थे जी, सो पीपीए पे बेटर ऑप्शन। राइट। सो हमने फिर पूरी गाड़ी पे क्या नाम है यहाँ पे इस एरिया पे और इस एरिया पे ब्लैक पीपीएफ किया है, ठीक है, और इस पे हमने मैट पीपीए।
ठीक है, मतलब बेसिकली हमने नीचे का जो शोल्डर लाइन तक है सब मैट कर दिया है और रूफ ब्लैक कर दिया है। एक बार साइड से दिखाते हैं, आ जाओ। हाँ। हमने एलॉय व्हील्स वगैरह तो सिर्फ वो करे है ना, सेरेमिक, हमने सेरेमिक कोटिंग एलॉय व्हील्स पे करी है ऑन ऑल द ग्लासेस, साइड व्यू मिरर्स एंड हेडलाइट एंड टेललाइट। और इसका एडवांटेज क्या है सेरेमिक ऑन द एलॉय व्हील्स? सेरेमिक कोटिंग बेसिकली आपकी गाड़ी को गंदा होने से कम गंदा होने देती है, जिससे क्या होता है कि आप कभी कोई भी चीज ज्यादा गंदी होगी तो जल्दी स्क्रैचेस आएंगे। जी। प्लस अगर आपने कभी गौर किया हो, व्हेन यू ड्राइविंग ऑन हाईवेज, रोड बन रही होती है, आपकी अलॉयज पे टार चिपक जाता है जी। और वो एक बार चिपक गया और नहीं हटता तो फिर आपको रीपेंट के लिए जाना पड़ता है। वाइल सिरेमिक ऑन द अलॉयज इट मेक्स यू वेरी इजी टू क्लीन, राइट, और आप कपड़ा मारोगे गाड़ी साफ। और इस पे जो हमने किया है वो समझाओ मुझे, क्योंकि ये प्री कट हुआ है। हमने इस पूरी गाड़ी पे परफॉर्मेंस सीरीज मैट फिल्म करी है जी, इसकी ओवरऑल लाइफ 10 साल होती है। अच्छा। We give you 5 years pasting warranty as well. जी जी जी। इसके अलावा अगर फिल्म की हम बात करें तो दोनों सेम परफॉर्मेंस फिल्म है, ब्लैक भी और मैट भी, राइट। ये पूरी गाड़ी हमने प्री कट में करी है। अच्छा। अगेन प्री कट हमने पुरानी वीडियो में बताया, प्री कट इज अ मेथड वेयर इन यू डोंट यूज और नाइफ वाइल कटिंग दी पीपीएफ ऑन द कार, राइट। सो इससे थोड़ी लग्जरी कार जो होती है या फिर इनफैक्ट किसी की भी गाड़ी हो जी, किसी को भी डर होता है कि वाइल अप्लाइंग पीपीएफ कहीं ब्लेड ब्लेड ना लगे, सो दैट मेक दैट सेफ, राइट। और एक बहुत हाई लेवल फिनिश आता है, और आई एम श्योर आप अगर थोड़ा क्लोजअप दिखाओगे ना तो यू सी कि अगर कहीं पे लाइंस भी आ रही हैं तो वेल कट हैं, आप देखो दिस इज वेल कट जी, और सारे एजेस कॉर्नर्स को इन्होंने वेल डिजाइन किया हुआ है, लाइक सी दिस पार्ट इज ऑल्सो वेल कट जी। सो एक कहीं ना कहीं हाई एंड फिनिश आती है, जितना पीपीएफ का मिथ है कि लोग पीपीएफ को मार्केट में कराते हैं और उन्हें फिनिश अच्छी नहीं मिलती, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है कि बहुत ज्यादा वर्कमैनशिप इन्वॉल्व होती है, राइट। सो व्हेन यू गेटिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व मुझे लगता है कि शायद फिनिशिंग बेटर होती है। जी जी। गाड़ी रेडी है जी, एकदम सुंदर लग रही है आपके अपने हरिया की, हरी डिफेंडर ये एकदम रेडी है, एंड अब इसको लेके चलते हैं जी। चले सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, इट वाज सुपर्ब सर, मजा आ गया, एंड ऐसा लगा ही नहीं कि बाहर आए, ऐसा लगा घर पे आए अपने। मुझे भी लगा मैं किसी एज अ कस्टमर डील कर रहा हूँ, सो वी वर वर्किंग टुगेदर एब्सोल्युटली 3 days एज अ फैमिली। थैंक यू सो मच फ्रॉम कमिंग ऑल द वे टू फ्रॉम लुधियाना टू नोएडा जी। थैंक यू सो मच वेद भैया, हम निकलते हैं गाड़ी लेके और फिर इसको घुमाते हैं पूरा इंडिया। और मुझे बताना कैसा रिस्पॉन्स रहा जी, स्पेशली फॉर दी मैट फिल्म, क्योंकि ये हमारी रफ एंड टफ कैटेगरी में आती है। राइट राइट। तो इसको मतलब अब जैसे मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो बर्तन मांगते हैं जूना नहीं लगाना। But you can clean it. सब आज कोइंसिडेंस देखो कि सबसे बढ़िया बात क्या हुई है कि मैं डिटेलिंग बुल पे था और यहाँ पे जिनकी वीडियो देख के मैंने ये कलर और ये मैट फिनिश चूज की है वो हमारे साथ है, गगन भाई। एक मिनट, सबसे पहले तो सर चाबी पकड़िए और श्री गणेश कीजिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बातें करके। मैं लेके चला जाऊं जी? सर आपकी, सर मैंने आप ही को देख के लिए है और गाड़ी आपकी है तो आप लेके बिल्कुल जा सकते हैं। परसों ही शूट किए जी, परसों तो एडिट किया, शूट तो थोड़ा पहले कर लिया था, अगर मैं नहीं किया होता मैं जी तो मुझे बता दी, एक और डिफेंडर है मेरे पास शूट करने के। आपके भाई की डिफेंडर है जब आपको चाहिए, आपके छोटे भाई की डिफेंडर। अब मुझे जिस दिन ऑफ रोड के लिए गाड़ी चाहिए होगी तोड़ने के लिए मैं उस दिन। सर बिल्कुल 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 सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि आप जिस तरीके से वीडियोस करते हैं गाड़ी सेफ है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच सर, और बहुत सुंदर लग रही है। जो आपने फर्स्ट एडिशन करा था वो मैट फिनिश में था, तो मैंने उसी को देख के आपकी वीडियो देख के ही। जी 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 जी। मैंने एक्चुअली 2 बार किया है डिफेंडर वीडियो, एक बार दुबई में जब पहली बार दिखी जी, मुझे इतना शौक था इस गाड़ी का, उस टाइम हाइप बहुत थी जी, मैं दुबई मोटर शो गया था ये देखने के लिए। अरे वाह, मैंने कहा ये गाड़ी दिखती कहती मुझे देखना है, फिर वो उसके कुछ टाइम बाद में इंडिया में आई गई जी जी, तो मैंने याद किया, अभी तो 130 भी आ गई, वो भी देखनी है जी जी, बट दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। उसका एक डिफरेंस ये है कि अंदर का इंटीरियर जो है वो टैन है, उसमें वो व्हाइट था, उसमें व्हाइट जी जी जी, तो इसमें क्योंकि HSC है तो उसमें मुझे ना ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, वो कहते हैं रगेड और प्रैक्टिकल का बहुत ही अच्छा रूप लगता है जी जी जी, क्या भी स्टेप्स वगैरह देख लो या फिर अंदर भी ऐसा लगता है कि मैं एक बार की पानी मार दूं गाड़ी में। अरे वाह, मैं तो बताता ना जी जी जी, वो वाली चीज है, एकदम प्रैक्टिकल गाड़ी है, रगेड है और आप इसको किसी भी तरीके से यूज करो, जैसे कहते हैं ना कि घर में कुछ बर्तन होते हैं जो आप गेस्ट के लिए रखते हैं, ये वो गाड़ी नहीं है, ये घर के बर्तन है, ये घर के बर्तन है और वो वाले बर्तन जो अंदर भी दिख रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कवर्ड में भी जा रहे हैं, यूज में भी आ रहे हैं। गगन भैया आपसे अप्रूव हो गई, अब तो गाड़ी चमक गई है। थैंक यू वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गगन भाई, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, एज अ स्टूडेंट मुझे सीखने को बहुत कुछ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
भाई साहब गाड़ी अपनी रेडी है और जिन्होंने गाड़ी तैयार करी है उनके लिए अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। तो भाई साहब ये है टीम डिटेलिंग बुल। भाई साहब देखो इतने लोगों ने मिलके काम किया है, सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू यार। आपने एक एक बंदे ने इस गाड़ी पे हाथ चलाया, इस पे मेहनत करी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये खून पसीने की कमाई है हम सबकी। थैंक यू सो मच वेद भैया, दिस हैज ओनली बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिटेलिंग बुल। सर क्या लुक है अभी, मतलब अंदर लाइट में नहीं पता चल रहा था ना, अब पता चल रहा है भाई क्या लुक आई है। पप्पू भैया कहाँ गए? पप्पू भैया सॉरी भैया मैंने आपको बहुत परेशान किया, सबसे ज्यादा मेहनत जो है पप्पू भैया ने करी। भैया हाथ दे दो, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। ठीक है सर, थैंक यू जी। अब ले जाएं गाड़ी? पक्की बात है, रिफंड कर दोगे सब कुछ?